नमस्कार, फोरसाइट समाचार में मैं शालीमार जायसवाल आपका स्वागत करती हूं। तो आइए एक नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। राज्यसभा चुनाव होने से पहले ही कई नेताओं की सीट कंफर्म होती दिख रही है। विदेश मंत्री एस जयशंकर, तृणमूल के डेरेक ओब्रायन सहित 11 नेता राज्यसभा के लिए निर्विरोध चुने जा सकते हैं। दरअसल कई सीटों पर डमी कैंडिडेट हटा दिए जाने के बाद इनकी जीत तय मानी जा रही है। सत्तारूढ़ भाजपा को एक सीट का फायदा हुआ है और राज्यसभा में उसके 93 सदस्य हैं, जहां सरकार के पास बहुमत नहीं है। तय कार्यक्रम के मुताबिक 24 जुलाई को पश्चिम बंगाल की 6, गुजरात की 3 और गोवा की 1 सीट के लिए मतदान नहीं होगा। पाकिस्तानी महिला सीमा हैदर को सोमवार को एटीएस की टीम अपने साथ लेकर गई। सचिन को भी पूछताछ के लिए एटीएस की टीम साथ लेकर गई है। हाईटेक तकनीक से सीमा से एटीएस पूछताछ करेगी। सीमा हैदर पहले पाकिस्तान से दुबई गई, फिर दुबई से नेपाल पहुंची और नेपाल के रास्ते ग्रेटर नोएडा के रबुपुरा अपने प्रेमी सचिन के पास आ गई। उसने हिंदू रीति रिवाज से सचिन मीना के साथ शादी कर ली। कुछ दिन पहले पाकिस्तान के एक गिरोह ने सीमा का सिर कलम करने की धमकी दी थी। पिछले महीने बकरीद के मौके पर एक इराकी ईसाई ने स्टॉकहोम सेंट्रल मस्जिद के सामने कुरान जलाकर विरोध प्रदर्शन किया था। मुस्लिम बहुल देशों के साथ साथ अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों ने भी इसकी कड़ी निंदा की थी। दुनिया भर के मुसलमानों में इस घटना को लेकर इतनी नाराजगी थी कि एक मुस्लिम युवक ने स्वीडन सरकार से ईसाई धर्म ग्रंथ बाइबल और यहूदी धार्मिक ग्रंथ तैरात जलाने की अनुमति की मांग कर दी थी। भारतीय क्रिकेट टीम इन दिनों वेस्टइंडीज दौरे पर है। यहां रोहित शर्मा की कप्तानी में टीम इंडिया ने 2 टेस्ट की सीरीज का पहला मुकाबला पारी और 141 रनों के अंतर से जीत लिया है। 36 साल के रोहित की कप्तानी में ही भारतीय टीम को इसी साल वनडे वर्ल्ड कप भी खेलना है। यह वर्ल्ड कप भारत की मेजबानी में होगा। भारतीय क्रिकेट टीम इस समय वेस्टइंडीज के खिलाफ मुकाबले खेलने में व्यस्त है। वेस्टइंडीज दौरे की समाप्ति के बाद टीम इंडिया को आयरलैंड की यात्रा करनी है। आयरलैंड दौरे पर भारत 3 मैचों की T20 सीरीज खेलनी है। ये T20 मुकाबले 18, 20 और 23 अगस्त को डबलिन में होंगे। अब आयरलैंड दौरे को लेकर एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। खास खबरों के लिए जुड़े रहिए, देखते रहिए फोरसाइट्स।